नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जहां एक तरफ देश कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढ रहा है, वहीं रीवा जिले का त्योथर सिविल अस्पताल अव्यवस्थाओं का बाजार बना हुआ है। सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों के मनमानी के कारण त्योथर के लोगों को भविष्य में इस भयावह महामारी का सामना करना पड़ सकता है। स्थिति तब की है जब बाहर फंसे मजदूर अपने गांव के लिए वापस आ रहे हैं और गांव वाले उन्हें यह कहकर बाहर कर दे रहे हैं कि आप पहले जांच करवाएं, और तब वह बेसहारा मजदूर जांच करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहां पर डॉक्टरों के द्वारा ये बोल दिया जाता है कि आपकी जांच आज नहीं हो पाएगी, कल होगी। उसे ना तो रहने ना खाने की व्यवस्था की जाती है और ना ही कोई सलाह दी जाती है। ऐसे में बेचारा मजदूर ना अपने घर जा पा रहा है और ना ही शासन प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा उसे मुहैया कराई जा रही है। ऐसे में मजदूर करे भी तो क्या करे। बहुत से ऐसे मजदूर भी हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनको अपने सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों के द्वारा होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। वह घर में सभी के साथ रह रहा है और गाँव में भी सभी को छुआछूत कर रहा है। वहीं पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने की उत्तम व्यवस्था है, वह डॉक्टर से गुजारिश करता है कि सर हमें होम क्वारंटाइन कर दिया जाए, तो डॉक्टरों के द्वारा उन्हें शेल्टर होम भेजा जा रहा है। मजदूरों की माने तो सिविल हॉस्पिटल त्योथर में वर्तमान समय में स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है, ना तो दो गज की दूरी का ख्याल है और ना ही मजदूरों की स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई ख्याल हॉस्पिटल प्रशासन को है। यदि सिविल हॉस्पिटल त्योथर की यही स्थिति बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब त्योथर क्षेत्र कोरोना महामारी में एक बड़े सेंटर के तौर पर सामने आ सकता है। यह उसी हॉस्पिटल की घटना है जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर स्वयं ये बयान देते हैं कि वह पेशाब की नली नहीं लगा पाते, बल्कि हमारे यहाँ किसी पर पेशाब की नली लगाते हैं। वहीं पर यदि नगर की लोगों की राय अस्पताल के बारे में ली जाए तो उनका कहना है कि हॉस्पिटल में कोई भी दवाई नहीं मिल रही है। हम लोगों को दवाई लेने के लिए इमरजेंसी केस होने पर भी रात रात में मेडिकल दुकान खुलवाने के बाद दवाइयां लेना पड़ रहा है। अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अस्पताल की इस भयावह स्थिति को, इस अव्यवस्था को सुधार पाते हैं या फिर यह स्थिति उसी तरह जस से तस निरंतर चलती रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं त्योथर से हमारे रिपोर्टर आशुतोष शुक्ला की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। कहाँ से आए हैं? राजापुर। वैसे कहाँ से आए हैं? बम्बई से। बम्बई से आप हॉस्पिटल में जांच हुई आपकी? हाँ, एक बार हुई है। यहाँ त्योथर में? त्योथर में नहीं हुई। त्योथर में भी आप गए, डॉक्टर आपसे क्या बोले? बाहर से आए हो तो क्या बोले हैं? बोले कि अभी रुको, एक घंटे बाद होगा, नहीं तो फिर सुबह आएंगे। सुबह आना तो क्वारंटाइन के लिए क्या बोले आपसे? मैं बोला कि हो गए सर, नहीं आएंगे, सुबह आएंगे। अच्छा, सुबह आने के लिए बोले। पूरा नाम क्या है आपका? कमलेश कुमार। पिता क्या नाम है? श्री कृष्ण। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।